के सहायक शिक्षकों ने वेतन विसंगति दूर करने और क्रमोन्नति की मांग करते हुए रायपुर के बूढ़ा तालाब पर प्रदर्शन किया। इसमें प्रदेश भर के 1,09,000 सहायक शिक्षक शामिल हुए। छत्तीसगढ़ शिक्षक सहायक संघ अपनी मांगे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को बता चुके हैं, लेकिन कोई मांग पूरी नहीं की गई, जिससे सहायक शिक्षक संघ नाराज है। छत्तीसगढ़ शिक्षक सहायक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने बताया है कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक की मांग कर रहा है कि वेतन विसंगति दूर हो, साथ ही क्रमोन्नति और पदोन्नति भी की जाए। प्रांतीय प्रवक्ता बसंत कौशिक ने बताया है कि छत्तीसगढ़ के सहायक शिक्षक अपने संविलियन से पूर्व विभाग में 23 सालों से सेवा दे रहे हैं। 23 वर्षों से सेवा देने के बाद भी एक ही पद पर है। आज हमारा एक सूत्री मांग है, सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करना, जिसको नियुक्ति तिथि से गणना करते हुए समय मान वेतन मान के आधार पर हमारी वेतन विसंगति को दूर किया जा सकता है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है और हमारी और कोई अन्य मांगे नहीं है। विभाग में विगत 23 वर्षों से सेवा दे रहे हैं और इस 23 वर्षों से सेवा दे रहे हैं तो 23 वर्षों में एक ही पद पर हैं और न ही उनको क्रमोन्नति मिली है न ही पदोन्नति मिली है, जिसके कारण उनके वेतन में विसंगति। रायपुर के बूढ़ा तालाब पर